ऐतिहासिक नजर बाग गुरुद्वारा, जहां पर गुरु नानक देव जी ने प्रभु श्री राम पर उपदेश दिए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जब अयोध्या पहुंचे थे, तब उन्होंने ब्रह्म स्वरूप श्री राम पर शब्द लिखे थे। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, जहां कण कण में हर कण में राम, जन जन में राम, रग रग में राम, राम तो सबके हैं। राम इस देश के चरित्र में है, राम इस देश की संस्कृति में है, राम इस देश के रोम रोम में है। जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर श्री राम, जहाँ कल कल छल छल सरयू जल में श्री राम। राम के घर में मजहब कोई मायने नहीं रखता, राम तो खुद में ही साक्षात धर्म है। राम 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 प्राण आधार, राम 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 है व्यवहार, राम 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 जस कीर्तन गाओ। राम सिर्फ सनातन में नहीं बल्कि सिख धर्म में भी अहम स्थान रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में एक नहीं बल्कि 300 बार भगवान राम का जिक्र है। वो मनुष्य के रूप में भी, ईश्वर के रूप में भी, और ब्रह्म यानी एक शक्ति के रूप में भी भगवान राम का जिक्र होता है। नजरबाग गुरुद्वारे में हम मौजूद हैं। अयोध्या में ये प्राचीनतम गुरुद्वारों में से एक है। खास बात यह है कि गुरु नानक देव जी और उनके अलावा गुरु गोविंद साहब दोनों ही जो पूजनीय हैं, उनके पदचिन्ह यहाँ पे पड़े हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में राम का जिक्र एक दो बार नहीं बल्कि 300 बार से ज्यादा है। गुरु ग्रंथ साहिब में राम को ब्रह्म रूप में बताया गया है। प्रभु राम का जिक्र दशरथ नंदन के तौर पर भी आया है। गुरबाणी में वैसे तो राम नाम को संबोधित करके, ब्रह्म को संबोधित करके राम के बहुत से शब्द हैं। कई सैकड़ों बार राम का नाम आया है और दशरथ नंदन प्रभु राम का नाम भी आया है और ब्रह्म रूप राम का नाम भी आया है। गुरु जी वाणी में उपदेश करते हुए ये कहते हैं, रसना राम को जस गाओ, कि हे मेरी जीभ, मेरी रसना, रसना जीभ को कहते हैं जिह्वा, अगर आप राम के जस को, राम के गुणों का गान करते हैं तो तभी आपका होना सफल है। अगर आप वो गुण नहीं गान करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, उसको तिल तिल करके काट देना चाहिए। ऐसी रसना किसी काम की नहीं है जो राम को भजे ना, राम के गुण ना गाए। और राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। अयोध्या का ये वही नजरबाग गुरुद्वारा है जहां पर सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के पद चिन्ह है। जब गुरु नानक देव जी का अयोध्या में आगमन हुआ था, तब उन्होंने लोगों को राम की उपासना का मतलब समझाया, ईश्वर प्राप्ति की राह दिखाई। यहाँ गुरु नानक देव जी अपनी चार दासियों के वक्त आए थे। उस वक्त यहाँ की रियासत का ये शाही बगीचा हुआ करता था। यहाँ पे आके उन्होंने लोगों को ब्रह्म रूप राम का उपदेश दिया और उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर की उपासना केवल कर्मकांड और आडंबर तक सीमित रह के ना की जाए, हृदय से एकाग्रचित होके स्मरण करके ईश्वर को उसकी प्राप्ति की जा सकती है, उसका नाम जप के प्राप्ति की जा सकती है। संसाधनों से हम पुण्य तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हमें भावना से, हृदय से राम को ध्यान करना होगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जब 6.5 साल के थे, तब वो आनंदपुर साहिब जाते समय अपनी माता जी और मामा जी के साथ अयोध्या पहुँचे थे। उन्होंने इसी गुरुद्वारे के ब्रह्म कुंड में ध्यान लगाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब बाल अवस्था में पटना साहब में जन्म लेकर आनंदपुर साहब जा रहे थे, 6-6.5 वर्ष की अवस्था में, तो वो भी अपने मामा जी और माता जी के साथ इसी स्थान पर आए थे। उस वक्त के इस जो अयोध्या रियासत है, इनके पूर्वजों ने ये अपना शाही बगीचा उनको नजर भेंट किया था, तब से इस पूरे एरिया का नाम नजरबाग है। अयोध्या का बन रहा भव्य राम मंदिर उन सिख निहंगों के संघर्ष का भी सुखद परिणाम है।
जिन्होंने आज से 165 साल पहले राम नाम की अलख जगाई थी। इतिहास के पन्नों में 30 नवंबर 1858 का दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जब बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 सिख निहंगों ने बाबरी पर कब्जा किया था। बाबा फकीर सिंह गुरु गोविंद सिंह की शान में नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राम नाम का पाठ किया बल्कि बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया। इसीलिए आज जब अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तब अयोध्या का जन जन उत्साहित है। हर मजहब के लोग अयोध्या के लौटते वैभव और खुशहाली का गुणगान कर रहे हैं। अयोध्या से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे।